तो जैसा कि आप देख रहे हैं, माउस का कर्सर जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है और काफ़ी ही अच्छा लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टिकटैक पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप कैसे ये कर्सर का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक कर्सर बना के भी रखा हुआ है। इस कर्सर को आप फोटोशॉप में बना सकते हैं या इंटरनेट के द्वारा अलग अलग डिज़ाइन के कर्सर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस कर्सर की डिज़ाइन को चेंज करने के लिए जो है आपको सबसे पहले एक वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वेबसाइट का नाम है cursor.cc। लिख करके आपको एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद आपको इस तरह का वेबसाइट मिलेगा। इस वेबसाइट पर आकर आप यहाँ पर कर्सर को बना भी सकते हैं। कर्सर बनाने के लिए पहले यहाँ पर आपको कलर को चुन लेना है। जैसे कि मैं यहाँ एक रेड कलर का बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं रेड को चुनता हूँ। और यहाँ आप जैसे भी बनाना चाहते हैं वैसे एक डिज़ाइन यहाँ बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे एक्स्ट्रा आ गया है बॉक्स, तो इसको हटाने के लिए पहले ये आपको जो है इसको इस साइड लेके आना होगा। यहाँ ट्रांसपेरेंसी 100% हो जाएगा। उसके बाद जिसको इसको आप इरेज करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका इरेज भी हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको फिर से वापस वहीं लेके चले आता हूँ। और जहाँ जहाँ लग रहा होगा कि आपको एक्स्ट्रा और लगाना है तो आप यहाँ पर इसको लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का एक छोटा सा कर्सर बनाया। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कि ये कर्सर आपको दिखेगा कैसा। तो इस तरह का आपको ये कर्सर दिखेगा। इस कर्सर को बनाने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ डाउनलोड कर्सर पे क्लिक करना है। डाउनलोड कर्सर पे क्लिक करने के साथ ये कर्सर आपका यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड करने के बाद मैं इसको शो ऑल कर लेता हूँ और यहाँ शो इन फोल्डर करके यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ डेस्कटॉप पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ देख रहे हैं आ गया आपको। इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद नेक्स्ट काम आपको करना क्या है, इस कर्सर को यहाँ मतलब लाने के लिए आपको जाना है स्टार्ट बटन पे और यहाँ लिखा है माउस। माउस लिखने के बाद यहाँ पे हम इस माउस को खोल लेंगे और यहाँ पे ये पॉइंटनर है, इसमें जाना है और यहाँ क्लिक करना है आपको ब्राउज पे। यहाँ पर पहले से कुछ मौजूद है आपको, आप इनमें से भी अगर चुनना चाहते हैं तो इनमें से भी कुछ को चुन सकते हैं। यहाँ हम क्लिक करते हैं ब्राउज पे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम जाएंगे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद जो मैंने कर्सर डाउनलोड किया हुआ है बना के, उसको मैं चुनता हूँ और ओपन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे, इसको मैं चुन लेता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आ गया है। जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा ये देखिए आपका ये कर्सर का जो डिज़ाइन है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप कर्सर को डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई डिज़ाइनेबल तरह का कर्सर लेने के लिए तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसी वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा लेटेस्ट कर्सर का ऑप्शन और यहाँ लेटेस्ट कर्सर पे आप जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पहले से कुछ कर्सर बना हुआ है वो आपको दिखेगा। आपको यहाँ पे और भी यहाँ बहुत सारा अलग अलग तरह का कर्सर आपको मिल जाएगा, और भी यहाँ बहुत सारे हैं। यहाँ पर जैसे कि मुझे ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ डाउनलोड करना चाहता हूँ तो इसी पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के साथ यहाँ डाउनलोड कर्सर है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको भी शो ऑल करता हूँ और यहाँ शो इन फोल्डर करता हूँ। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ कंट्रोल एक्स और अपने डेस्कटॉप पे लेके चले आता हूँ इसको। यहाँ पे पहले से उस नाम का था इसलिए यहाँ पे मूव बट की बोथ फाइल्स कर देता हूँ मैं। आपको फिर से जाना होगा माउस को चेंज करने के लिए। विंडोज बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे माउस, एंटर। यहाँ पे हम चुनेंगे पॉइंटनर को, चेंज करना है तो ब्राउज पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जाना है और जो अभी मैंने डाउनलोड किया हुआ है उसको मैं यहाँ चुन लूँगा। ये रहा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कर्सर। ओपन पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पर जब क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं इसका डिज़ाइन जो है चेंज हो चुका है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ओके पर और इस तरह से आपका जो है कर्सर का डिज़ाइन जो है बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अगर आपने खुद से कोई कर्सर बना के रखा हुआ है तो उसको कैसे आप यहां पे लेके आ सकते हैं। उसके लिए भी आपको इसी वेबसाइट पे ही आना है। यहां पे आपको लिखा हुआ है इम्पोर्ट इमेज, यहां क्लिक करेंगे इम्पोर्ट इमेज पे।
यहाँ क्लिक करना है चूज फाइल पे, और मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया तो मैं डेस्कटॉप चुनूंगा। ये जो मैंने कर्सर बनाया हुआ है उस कर्सर को चुनेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अपलोड कर लेना है। फाइल का साइज जो है मैक्सिमम 5 MB होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ हम क्लिक करेंगे अपलोड पर। अपलोड पर क्लिक करने के बाद ये आपको इस तरीके का कुछ दिखेगा। इनमें से अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ एक्स्ट्रा है तो इसको आप अगर डिलीट हटाना चाहते हैं यहाँ से, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ट्रांसपेरेंसी को फुल कर लेना इधर, अगर नहीं है तो यहाँ पे जैसे पहले से है तो मैं यहाँ जैसे ही क्लिक करूँगा वो वाला आपका हट जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा मुझे रेड कलर चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। कुल मिला के आपको इसको अच्छे से बना लेना है। बनाने के बाद जो है आपको नीचे जाना है, यहाँ पे आपको मिलेगा डाउनलोड कर्सर, यहाँ इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देख रहे हैं अब डाउनलोड हो चुका है ये। इसका नाम है कर्सर 2। इसको भी हम यहाँ से डेस्कटॉप पे लेके चले आते हैं। यहाँ फिर से आपको वही काम करना है, स्टार्ट बटन पे जाना है और यहाँ लिखना है माउस एंटर, जाना है आपको पॉइंटनर में और यहाँ पे चुनना है ब्राउज को, ब्राउज पे क्लिक करना है, डेस्कटॉप चुनना है और जो फाइल मैंने लास्ट डाउनलोड किया हुआ है ये होगा आपको, और इसको ओपन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपका ये डिज़ाइन देखिए आपका ये चेंज हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मैं आपके लिए इसी तरह के एजुकेशन से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा। धन्यवाद।